नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। बालकनी की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रंगों के बारे में। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं, सर बात बालकनी हमारा साउथ ईस्ट में बन गया, साउथ वेस्ट में बन गया, नॉर्थ ईस्ट में बन गया, कलर क्या करें, बालकनी हटा नहीं सकते, वास्तु दोष निवारण क्या कैसे करें। तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि रंगों का हमारे वास्तु में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। रंगों के मदद से सारे वास्तु दोष का निवारण किया जा सकता है। तो चलिए आज हम लोग इसी पर वीडियो शुरू करते हैं कि बालकनी आपका किस जोन में बना है और उस पर उसका क्या वास्तु के हिसाब से रंग होना चाहिए, कलर होना चाहिए दीवारों का। तो सबसे पहले देखते हैं बालकनी के लिए उत्तम रंग कौन सा है। नेचुरल प्राकृतिक रंग सबसे अच्छा माना जाता है, जैसे सफेद, शेड्स ऑफ व्हाइट, ये सबसे अच्छा माना जाता है। जितने भी व्हाइट के शेड्स हैं, व्हाइट ऑफ व्हाइट, आइस व्हाइट, आप जो लगाना चाहें, सफेद रंग सबसे ऊंचा अच्छा माना जाता है, सकारात्मक एनर्जी देता है। बालकनी के लिए कौन सा रंग अच्छा नहीं माना जाता है? डार्क रंग, काला रंग, लाल रंग इस्तेमाल ना करें। कभी कभी लोग बोलते हैं लाल रंग तो बहुत अच्छा है सर, ये मित्रता, दोस्ती, प्यार का रंग है, लेकिन खून का भी रंग लाल है दोस्तों, इसलिए लाल रंग से परहेज करें। आप अगर किसी को लाल पसंद है तो हल्का लाल कर सकते हैं, बॉर्डर लाल का लगा सकते हैं, लाल मत ना करें। हर जगह एक सा रंग ना हो, दीवार, छत, स्टोरेज का अलग अलग रंग होना चाहिए, मिक्सचर ऑफ रंग यूज कीजिए। इस तरीके से डार्क रंग का इस्तेमाल मत कीजिए। अब जोन वाइज देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम में, हम लोग सभी जानते हैं दक्षिण पश्चिम में बालकनी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने बालकनी बना लिया है, मास्टर बेडरूम यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ कौन सा रंग हो? यहाँ हल्का ब्राउन कलर आप यूज कर सकते हैं, सफेद, पीला, लाइट ब्राउन सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। लेकिन लाइट ब्राउन दक्षिण पश्चिम के वास्तु दोष निवारण के लिए आप जरूर करिए, सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अगर यहाँ स्टोरेज बना रखा है आपने तो उसका रंग आप पीला रखिए, क्योंकि ये पृथ्वी का स्थान है, मिट्टी का स्थान है, मिट्टी का रंग पीला होता है, लाइट ब्राउन होता है, सफेद भी होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम का स्थान है। अब देखते हैं दक्षिण दक्षिण और दक्षिण पूर्व या पूरब में। दक्षिण मंगल का स्थान है, दक्षिण पूर्व भगवान सूर्य का स्थान है, और दक्षिण जो है दक्षिण पूर्व ये वीनस का स्थान है। तो सफेद, पीला, हल्का लाल, हल्का नारंगी, हल्का गुलाबी, हल्का ब्राउन, हल्का हरा सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। तो आपको जो इच्छा है इसमें से चूज कर लीजिए। आप देख लीजिए कि प्लॉट आपका किस जगह सिचुएटेड है, उसके हिसाब से चूज कर लीजिए। अगर सामान रेक वगैरह बनाना है तो पीला रंग आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये दक्षिण दक्षिण पूर्व और पूर्व की बालकनी थी। अब बात करते हैं उत्तर उत्तर पूर्व और पूर्व की बालकनी। उत्तर पूर्व यानी कि जुपिटर बृहस्पति का स्थान, पीला, बृहस्पति का रंग पीला। उत्तर यानी कि कुबेर का स्थान, जल का भी स्थान है ये, तो नीला होना चाहिए। तो सफेद, पीला, क्रीम, हल्का नीला सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। ईशान कोली के लिए हल्का नीला या पीला उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम या पश्चिम की। उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण, पश्चिम यानी कि शनि का स्थान। तो सफेद, क्रीम, क्रीम ऑफ व्हाइट सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। सफेद उत्तर पश्चिम के वास्तु दोष के निवारण के लिए जरूर करिए। और चूंकि ये स्थान शनि का है तो मेटालिक ब्लू आप यहाँ ठीक पश्चिम में, अगर यहाँ बालकनी बनाया है तो ठीक पश्चिम में मेटालिक ब्लू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या सफेद भी कर सकते हैं, मेटालिक ब्लू अच्छा है। तो दोस्तों रंगों से संबंधित मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो अपने मित्रों, साथियों, सहयोगियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।